रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम। यस गाइस, ये एक पहली इंडियन एनिमी मूवी थी। जी हाँ गाइस, एनिमी। इसे जापान और इंडियन कंपनी ने कोलैबोरेशन के तहत बनाया था, और आप में से बहुतों ने इस मूवी को देखा भी होगा गाइस। और ये मूवी बहुत ही बेस्ट मूवी है रामायण की, अभी तक के जितने भी मूवी रिलीज हुए हैं उनमें। इस मूवी के डायरेक्टर थे गाइस युगो साको और राम मोहन। युगो साको एक जापानीज एनिमेटर और राम मोहन इंडियन एनिमेटर थे गाइस। और जापानीज एनिमेशन कंपनी और इंडियन एनिमेशन कंपनी के कोलैबोरेशन से ये मूवी बनी थी। ये मूवी गाइस 1992 में बनकर तैयार हो गई थी। और देखिए गाइस, इसका एनिमेशन इतना बेस्ट है उस टाइम के हिसाब से। आप अगर देखोगे बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट डायलॉग्स, बेस्ट था गाइस सब। इसके प्रोड्यूसर्स थे गाइस युगो साको और कृष्णा शाह। लेकिन गाइस इसके दोनों भी एनिमेटर्स युगो साको और राम मोहन ये लीजेंडरी आर्टिस्ट थे गाइस। युगो साको ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ यही एक मूवी बनाई थी गाइस। वो 60 बार इंडिया आए और इस मूवी को सिर्फ 13 मिलियन में बनाकर तैयार कर दिया था गाइस। युगो साको एक और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो कि श्री कृष्ण के ऊपर आधारित था, लेकिन अप्रैल 2012 में उनका डेथ हो गया गाइस। लेकिन इससे भी बुरी बात ये थी गाइस कि ये मूवी कभी भी इंडियन सिनेमा में रिलीज हुई ही नहीं, क्योंकि बहुत से प्रोटेस्ट हो गए थे इस मूवीज़ के मूवी के ऊपर। और प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि आप श्री राम को एज अ कार्टून पोर्ट्रे नहीं कर सकते, या एक कार्टून भगवान को कार्टून में आप नहीं दिखा सकते। बट युगो साको ने उन्हें समझाया कि जापान में एनिमे सिर्फ एक कार्टून नहीं है। लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात मानी नहीं। एक्चुअली हम इंडियंस है ना, सिर्फ यही चीज़ डिजर्व करते हैं गाइस। एक्शन, सस्पेंस, इमोशन, और वो कहानी के कैसे बना ये भोला भाला बजरंगी हनुमान ददमदार। गाइस मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि उन्हें क्या प्रॉब्लम थी इस मूवी से। ये मूवी इतनी ब्रिलियंटली बनाई गई थी, श्री राम को इतने अच्छे से पोर्ट्रे किया गया था। युगो साको दुनिया को बताना चाहते थे कि रामायण क्या है, कैसे थे श्री राम। लेकिन ये मूवी कभी बड़ी स्क्रीन पे आई नहीं। सो गाइज, अगर आप में से किसी ने ये मूवी देखी नहीं है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्लीज़ एक बार ये मूवी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस मूवी का एक एक डायलॉग, एक एक सीन इतना अच्छा है ना गाइज, कि आप भी कहोगे कि यार क्या मूवी थी ये। सीरियसली गाइज, इसकी डबिंग हमारे इंडिया के बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट ने की थी। सो गाइज, इस मूवी का नरेशन किया था शत्रुघ्न सिन्हा जी ने। रावण की आवाज दी थी अमरीश पुरी जी ने, जो काफी डरावनी आवाज थी। ए निर्लज्ज, तुम्हारी जगह और किसी ने मुझसे ऐसा कहने का साहस किया होता तो मैं उसे यहीं पर मार डालता। ये लंकेश रावण जो सब लोगों के दिलों में बसा हुआ है और सारे देवताओं में पूज्य है, वो क्या भयभीत होगा उस तुच्छ कुमार के पराक्रम से। तुरंत चला जा दुष्ट, चला जा द्रोही मेरी आंखों के सामने से तू। और श्री राम की आवाज दी थी अरुण गोविल जी ने, और सीता माँ की आवाज दी थी नम्रता सवानी जी ने। और यही नहीं गाइज, इस मूवी का म्यूजिक और सॉन्ग्स बहुत ही सुंदर थे, एक बार वो भी देख लीजिए। मंगल में
दूत हनुमान जननी मैं राम दूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन कर दो माँ कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी मैं राम दूत हनुमान चमके कोटि सूर्य सम रघुवर शीत चंद्र सी वाणी चलो शुरू करते हैं आपको याद होगा गाइज ये मूवी हर साल दशहरा और दिवाली को कार्टून नेटवर्क पे दिखाई जाती थी और हम भी हर साल इस मूवी को उतने ही प्यार से देखते थे बट अब कुछ सालों से कार्टून नेटवर्क भी ये मूवी दिखा नहीं रहा है कार्टून नेटवर्क एक अच्छा चैनल हुआ करता था लेकिन अब वो भी बदल गया है गाइज और गाइज ये मूवी ऐसी है कि आप जितनी बार देखोगे ना आपको उतना ही अच्छा फील होगा गाइस मैं इसे हर दशहरा और दिवाली को देखता था और मैं कभी बोर नहीं होता था गाइस ये इतनी बढ़िया मूवी थी मतलब मेरे दिल के बहुत ही करीब थी गाइस ये मूवी और अगर इस मूवी के ऊपर इतना प्रोटेस्ट ना होता तो क्या पता हमें शायद और भी बढ़िया इंडियन एनिमीज देखने को मिलते शायद राम मोहन और योगो साहब को कोलैबोरेशन करते और भी बढ़िया प्रोजेक्ट्स हमारे लिए लाते बट गाइज अब हमारी सोच के वजह से हम बहुत सी चीज़ें खो बैठते हैं अगर इंडियंस एनिमे को सिर्फ एक कार्टून की तरह ना देखते तो शायद हमें और भी अच्छे अच्छे एनिमीज मिलते और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भैया आपने शत्रुओं की लाशों की और हमारे सैनिकों की लाशों की साथ में ही अंतिम क्रिया क्यों की लक्ष्मण
जब तक वो जीवित थे तब तक वो हमारे और शत्रु के लोग थे, पर मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं होता। उन सबको विधिपूर्वक अंतिम सम्मान हम क्यों न दें? ये उचित नहीं है कि योद्धा के लिए हम क्षत्रियों को भावुक होना बिल्कुल शोभा नहीं देता। मेरे भाई, जब सीता को छुड़ाने के लिए हम निकले थे, मेरे हृदय में भी क्रोध और द्वेष था, पर मैं जब लंका पहुंचा तभी मैं समझा कि हम सबको जीवन का जो अनमोल उपहार मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम अच्छे मानव हों, केवल अच्छे क्षत्रिय ही नहीं। पृथ्वी पर सभी जीवों को जन्म परमेश्वर ने दिया है, राक्षसों को, वानरों को, मनुष्यों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, सभी को, लेकिन हम में से ही कुछ अज्ञानी लोग अपने तीर और तलवार का प्रयोग करते हैं अपने ही साथी जीवों पर। बहुत से योद्धा रणभूमि में अपने प्राण गंवा चुके हैं और युद्ध खत्म होने तक और बहुत से मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं युद्ध में भाग लेता रहूंगा, पर मृतकों को जलाते समय यह प्रार्थना करूंगा कि अब इस दुनिया में युद्ध फिर कभी ना हो और एक भी मनुष्य क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए अपने ही भाई बंधुओं पर। भैया, बहुत सुंदर विचार है।